बैक टू माई अनदर व्लॉग। आज आपका भाई रेहान एक नया व्लॉग के साथ आ गए, एक नए सफर और एक नए ट्रेन जर्नी के साथ। हमारा सफर स्टार्ट होने वाला है वो न्यू दिल्ली से स्टार्ट होने वाला है, जो कि सिरसा एक्सप्रेस से होगा। और अभी हम जाने वाले हैं रेवाड़ी, सिरसा एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर है 14085। तो यहाँ से वो सिरसा एक्सप्रेस पकड़ेंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। और हमारा जो अभी सीट रिजर्वेशन है वो चेयर कार में। इस ट्रेन से रिलेटेड आपको सारी जानकारी हम आपको इस ब्लॉग में बताने वाले, सो ब्लॉग में बने रहिएगा गाइस। और जो कुछ भी होगा सारी अपडेट्स आपको हम देते जाएंगे। कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि हमारी आने वाली जो सारी अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। सो सिरसा एक्सप्रेस में जो है कि चेयर कार ही होता है, यहाँ पे चेयर कार जो है वो है। हो सकता है कि शायद इसमें हमने जो पढ़ा है वेबसाइट पे, तो इसमें आपको जो है कि जनरल कोच भी मिलने वाला है। सो अभी देखते हैं, कंफर्म करते हैं कि जनरल कोच इसमें है या नहीं, नॉर्मल कोच इसमें है या नहीं, या सिर्फ चेयर कार ही है। तो अभी हमारी जो ट्रेन है वो 5:30 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से खुलने वाली है, जो कि 2 नंबर प्लेटफॉर्म से खुलेगी। Search for me, 'cause I'm going AWOL. In my heart there's a hole, yeah. And in my head there's a demon I can't take control. I took too much, put myself in the room, just my things and myself, yeah. It's getting hard. सिरसा एक्सप्रेस जो है ऑन टाइम, मतलब यहाँ पर आ चुकी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। अब इसका जो डिपार्चर टाइम है यहाँ से 5:30 है। अब देखते हैं कि अपने डिपार्चर टाइम पे ये निकल पाती है नहीं। और इसके रिगार्डिंग जो अभी हमारी जो टिकट है वो सीवन में है, जो कि चेयर कार है। अब देखते हैं कि वहाँ पर जो है कि टाइमली पहुँच पाती है या नहीं। हमारा जो सफ़र होगा वो रेवाड़ी तक का होगा, और रेवाड़ी तक देखते हैं कि ऑन टाइम है या नहीं। लास्ट टाइम मैं जब इसको ट्रैक कर रहा था इस सिरसा एक्सप्रेस को, तो ये ऑन टाइम शो हो रही थी। बट अब आगे का पता नहीं है कि आज, क्योंकि मैं हमेशा से जब भी सफ़र करता हूँ ट्रेन में तो ऐसा हो जाता है कि ट्रेन लेट हो जाती है, कुछ हो जाता है। तो भाई अभी का सीन आगे चेकआउट करते हैं। इसमें पैंट्री कार, आई डोंट थिंक सो कि इसमें पैंट्री कार होगा। इसमें जनरल कोचेज़ की डब्बे भी हैं, जनरल जो है कि 20 कोचेज हैं, चेयर कार के जो है कि 3 कोच हैं, और आगे चेयर कार यहाँ पे 2 कोच हैं चेयर कार। अभी C2 है, आगे जो कि C1 है। 2 कोच जो है आपको चेयर कार वाले 2 कोच मिलेंगे, और बाकी के जो 20 कोच होते हैं इसमें वो 20 कोच जो है वो जनरल के हैं। पाँच बज कर के 29 मिनट हुआ है, अभी 5:30 में इसका डिपार्चर टाइम है। सो आगे का पता नहीं है कि अभी कितने बजे डिपार्चर होगी। तो अभी हम मूव करते हैं ट्रेन के अंदर, और जो हमारी सीट है वो हम सीट ले लेते हैं। एक्सप्रेस का बाथरूम चेकआउट करते थोड़ा कि बाथरूम कैसा है। भाई बाथरूम जो है वो साफ़ सुथरा दिख रहा है, उसमें ये पंखे भी लगाए हुए हैं। एक ये वाला बाथरूम है, C1 कोच का मैं दिखा रहा हूँ। ये वेस्टर्न टॉयलेट है, वो इंडियन टॉयलेट था, ये वेस्टर्न टॉयलेट है। भाई पानी वानी आ रहा है? नहीं, पानी भी आ रहा है भाई। सिरसा एक्सप्रेस जो कि सिरसा तक जाती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से खुल के, सफाई की बात करूँ जहाँ तक, तो सफाई का ये है कि अभी C1 कोच में हम चेक करते हैं एक बारी। सिरसा एक्सप्रेस है वो ऑन टाइम जो है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ रही है। सो गाइस सिरसा एक्सप्रेस में जो इसकी सीटें हैं वो बहुत सही हैं। यहाँ पे तुम देख लो, ये जो इसका हैंडल बार है ये आप इस तरह से उठा भी सकते हो, अगर आप हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ट्रैवल कर रहे हो, या फिर कोई भाई वाइफ कोई रिलेटिव के साथ ट्रैवल कर रहे हो, है ना, आप जो है कि इसको उठा भी सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी सीट वगैरह जो इसकी कंडीशन भी सही है, बहुत सही है। और तीसरी चीज़ ये है कि सिरसा एक्सप्रेस जो है कि
मतलब ऑन टाइम जो है निकल चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। लास्ट मैं एक दो दिन से ट्रैक कर रहा था सिरसा एक्सप्रेस को, तो सिरसा एक्सप्रेस जो है वो ऑन टाइम अभी पहुंच रही है, बट आगे का पता नहीं है। जैसी भी अपडेट होगी वो आपको हम इस ब्लॉग में देते जाएंगे, तो ब्लॉग में बने रहिएगा, देखते रहिएगा ब्लॉग को, तो मिलते हैं। है ये आपको अगर खाना खाना है, लैपटॉप वगैरह रख के काम करना है, तो इसके लिए ये भी सुविधा है, आप इस पर रख करके काम वाम कर सकते हो, खा भी सकते हो। और भाई साहब दूसरा सीन ये है कि इसमें जो कि कोई पैंट्री कार नहीं है, कोई पैंट्री कार नहीं है। और तीसरा सीन ये है साफ़ सफाई के मामले में सिरसा एक्सप्रेस ठीक ठाक है। और यहाँ पर जो है कि मैं देख रहा था बाथरूम वगैरह भी, कि बाथरूम वगैरह भी सही है, बहुत सही है। तो बाथरूम वगैरह जो है कि साफ़ सुथरा है, पानी वगैरह जो है कि आ रहा है सिरसा एक्सप्रेस में। और आगे का जनरल कोच का अगर पॉसिबल होगा तो जनरल कोच के बारे में आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। सो फाइनली हम अभी उतर चुके हैं रेवाड़ी पे उतर चुके हैं। और सिरसा एक्सप्रेस जो है ये ऑन टाइम थी, और अभी जो है कि अभी तक ऑन टाइम थी, बीच में थोड़ी सी लेट हुई थी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सस्ते में और अच्छे से आना चाहते हैं तो आप सिरसा एक्सप्रेस ले सकते हैं, बट अगर आप सिरसा एक्सप्रेस से दूर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आई विल नॉट गोइंग टू रिकमेंड यू गाइस कि आप सिरसा एक्सप्रेस लें। कोई अच्छी ट्रेन ले लो, चेयर कार है बढ़िया, एसी वगैरह सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट वही है कि मैं आपको बोलूँगा कोई और ट्रेन अगर आप प्रेफर कर सकते हैं तो आप कर लें। सो अभी के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की व्लॉग आपके लिए हमेशा से लाते रहते हैं, तो अपना प्यार बरसाते रहिए। अभी तक के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।